कार्बियंग जिले के बोकाथन महकमा अंतर्गत कारागांव स्थित कार्मेल ज्योति इंग्लिश स्कूल में कार्बियंग नेपाली छात्र संघ बोकाथन जिला समिति का एक वार्धिक प्रतिनिधि सभा संपन्न हुआ। सुबह 9 बजे से प्रारंभ सभा में कार्बियंग नेपाली छात्र संघ बोकाथन जिला समिति के अध्यक्ष द्वारा संगठन का झंडा उत्तोलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके बाद 10 बजे से प्रतिनिधियों का परिचय पर्व के साथ प्रतिनिधि सभा आरंभ हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लोक नारायण सुब्बा ने शिरकत की, जबकि आमंत्रित अतिथि के रूप में उपस्थित रहे कार्बियंग नेपाली छात्र संघ केंद्रीय समिति के सलाहकार तिलक रिजल, अध्यक्ष सैमसन खरेल, मूल सचिव बसंत छेत्री आदि दिशा निर्देशक के रूप में सभा में उपस्थित रहे। इसके अलावा सभा में आमंत्रित अतिथि में अभिभावक संगठन नेपाली साहित्य तथा सांस्कृतिक मंच के केंद्रीय समिति के अध्यक्ष शालिग्राम उपाध्याय और मूल सचिव जय कुमार राय भी मौजूद रहे। कार्बियंग नेपाली छात्र संघ बोकाथन जिला समिति के वार्धिक सभा को संचालित किया अध्यक्ष प्रसाद राय और उपाध्यक्ष चंदन प्रधान ने। वर्धित सभा का दस्तावेज मसौदा को सभा में उपस्थित नेपाली साहित्य तथा सांस्कृतिक मंच केंद्रीय समिति का अध्यक्ष शालिग्राम उपाध्याय द्वारा रखे जाने के बाद लंबे बहस के उपरांत कार्बियंग और जिमा असाव की वर्तमान परिस्थिति और राजनीतिक सामाजिक अर्थनैतिक स्थिति को लेकर लंबे समय तक विचार विमर्श करने के बाद कई अहम प्रस्ताव ग्रहण किया गया। इसमें अहम प्रस्ताव के रूप में कार्बियंग और डीमा आसाव के विद्यार्थियों को एक मंच पर बुलाकर कार्बियंग में नेपाली या गोरखा छात्र के नाम से एक शक्तिशाली केंद्रीय समिति के गठन पर विचार किया गया है। इसके अलावा आगामी 23 और 24 जनवरी 2023 को 29वां सांस्कृतिक समारोह भव्य रूप से संपन्न करने पर विचार विमर्श किया गया। सभा के समाप्ति के पश्चात शाम 7 बजे से सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया। कार्बियंग नेपाली छात्र संघ के वर्धित सभा में बोकाथन जिला समिति के अधीन कुल 12 शाखा समिति के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस सभा में नेपाली सुरक्षा परिषद कार्बियंग जिला समिति के मूल सचिव रेवती शर्मा, कोषाध्यक्ष महेंद्र छेत्री, सांस्कृतिक सचिव बाबूराम लामा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। एक प्रेस वार्ता के जरिए इस बात की जानकारी कार्बियंग नेपाली छात्र संघ के बोकाथन जिला समिति के सचिव खिम छेत्री ने संवाददाताओं को दी है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, न्यूज 12, असम नॉर्थ ईस्ट। हामी गोर्खा र नेपालीमा हामी डिबेट गर्न चाहन्छौँ। हामी दार्जिलिङमा पनि गयौँ, धेरै गोर्खाको प्रचलन दार्जिलिङमा हुन्छ, दार्जिलिङमा पनि गयौँ। हामी कहीँ डिबेट गर्न चाहन्छौँ, हामी काम गर्ने व्यक्ति, हामी कामसँग मतलब छ, हामी नामसँग मतलब छैन। तर हामी कन्भिन्स छौँ, गोर्खा भने पनि म यो, नेपाली भने पनि म यो, त्योसँग प्रश्न छैन। यदि हामी गोर्खा सुन्नै नसक्ने भए, म त गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको कार्यालयमाको प्रेसिडेन्ट पो थिएँ, मैले यदि सुन्नै चाहँदैन थिएँ गोर्खा भने त म त गोर्खाको प्रेसिडेन्ट त हुने थिइनँ वा छैन। म विमल गुरुङको नेतृत्वको गोर्खाल्यान्ड मुभमेन्टको सङ्गठन पार्टीको कार्यालय डिस्ट्रिक्ट कमिटीको प्रेसिडेन्ट थिएँ, म यता कान्छुको एक्सपिरियन्स थिएँ, त नेपालीमै म अघि थिएँ, नेपाली नै हुनुपर्छ, गोर्खा चाहिँ म देख्नै सक्दिनँ भने त म प्रेसिडेन्ट। र हामीलाई के लाग्छ भने हामीलाई के लाग्नुपर्छ भनेदेखि गोर्खा गोर्खा भने पनि नेपाली भने पनि तर प्रचलन हेर्नुहोस् है, प्रचलन गोर्खाको नाममा ज्यादा हुन थाल्छ, हामी पनि जिद्दी गर्दिनौँ, हामी नेपाली केही नाममा हुनुपर्छ,
गोरखा को नाम भी स्वतंत्रता हमीर यदि स्वतंत्र भेन डिसिजन लिने बेला में हमीर यदि स्वतंत्र दिएन हमी तब हमीर सोचे जो फिर भाग भाग हो एक होना तो समय लगे हमीर आक्सुला अलग बोला बस टेबल में बस भोल एक तर ते नहीं पशि हम भाग क्यों कुरो हमें विचार कर सब भाई ठूल कुरो यही हो जब डिसिजन लिने बेला में जब हमीर डिसिजन लिना दिए तब हमी पड़े पीर मार्का में जो हम अभिभावक भन्ने हम बाबू आमा भन्ने हमीर साथ दिए तीखे के तब छुट्टु ना मेरे बहू भी चाहिए मेरे आमा भी चाहिए मलग बसुण ठूल कुरो है आक्सुला कांसुला यहाँ कार्यान्वयन भि में एक बना तर ठूल कुरो यो कन्टिन्युएसन हमीर कसरी गर्ने मतदर्शक तो हम एक भएर कसरी हम जातीय समस्या समाधान करने क्योंकि हम तो जाति को संगठन हो हमीर को जाति को संगठन जातीय संगठन हमीर को जातीय समस्या समाधान करते जी तो कार्यसूची में तो हमीर को पदयात्रा में तो हमीर को हिड़ने क्रम में न्यूज़ 12 के खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए। वहीं अगर आप हमारे खबर को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक कीजिए। धन्यवाद।